तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो भाई लोग, हम लोग आए हैं आज राखी कोल। आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं राखी कोल में आप लोगों को खदान लेकर चलूँगा टूर करवाने। तो अभी हम लोग आए हैं खदान की ओर। देखिए, आप लोग देख सकते हो ये खदान आज से 15 से 20 साल पहले कुछ कारणों से बंद हो चुका है। तो अभी आप लोगों को हम वो खदान का टूर करवाएंगे कि 15-20 साल के बाद भी वो खदान कैसा है, और हम लोग आपको उसके अंदर तक भी लेकर चलेंगे। हमसे जितना हो सके हम उतना शूट कर पाएंगे। तो चलिए, इसी के साथ ये वीडियो को हम शुरू करते हैं। हमारे अंकुश भाई भी आए हैं। भाई बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी में हम लोग आए हैं वीडियो शूट करने। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ वीडियो को। यहाँ पर रास्ता का तो कुछ नामो निशान ही नहीं बचा है, बस जहाँ से इच्छा है वहाँ से चले जाओ, ये वाला काम बचा हुआ है। धीरे धीरे हम लोग उतर रहे हैं खदान की ओर। और सुनने में ये भी आ रहा था कि ये खदान इसलिए बंद हुई क्योंकि यहाँ पर कुछ घटनाएं होने लगी थी। लोग कह रहे थे कि भाई कुछ अजीब सा चीज़ होता था यहाँ पर, है ना, बहुत सारे एक्सीडेंट भी हो गए थे, तो इसी के कारण से यहाँ खदान वगैरह बंद हो गई है। पहुँच गए जैसे तैसे खदान की ओर। देख सकते आप पहाड़ी नज़ारा। ये हमारा राखी कोल है क्यों? नहीं, घोघरा तो अलग। ये हमारा राखी कोल, आप देख सकते हैं। कौन बोलेगा भाई राखी कोल में अपन भी पहाड़ी आदमी हैं। ये देख सकते भाई लोग आप। पहले थोड़ा सा बैठ जाएंगे यार, पता है छाँव में। देख रहा भाई इतनी मेहनत कर कर के आ रहे हैं, फिर भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ पा रहे हैं। ओ भाई, चलो तो चलिए भाई लोग आपको लेकर चलते खदान की ओर, फिर आसपास का नज़ारा भी दिखाएंगे। हमारे अंकुश भाई साहब नीचे उतरते हुए। भाई देसी वाली सीढ़ी है यहाँ पर, स्वदेशी जुगाड़। ठीक है ठीक है। ओ भाई साहब, झेलो भाई, पहले ट्राइपॉड झेलो, कोई दिक्कत नहीं। चलते भाई आप करते नीचे धीरे धीरे। भाई धूल मिट्टी पूरी आँख में चली गई है। चलो भाई, हो भाई आग में खतरा चले गया। चलो तो आप देख सकते हैं गाइस, अंदर बिल्कुल अंधेरा है, अंधेरा कायम है। अब जाने दे काका को, जाने दे भाई काका को, जाने दे। जाओ जाओ काका, अरे काका जी इतनी सी टार्च में तुम लेकर आ गए यार घूम फिर के। अरे गजब कर दिया, हमारा तो मोबाइल ही नहीं चल पा रहा। टार्च का जुगाड़ तो नहीं हो पाया अंदर जाने की। भाई धीरे 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 भाई, लेकिन काका ने बताया नहीं ना जाना किधर साइड है। नहीं उतना अंदर भी नहीं जा पाएंगे क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी ना, दिक्कत वाली काम है। ये वापस से अपन वही जगह पे आ गए, जगह पर। ये धीरे धीरे करके भाई, ये देख सकते हैं आप लोग कोयला। भाई कहाँ तक गए हैं ये भाई? वो लोग क्या करते थे नीचे नीचे जा जाकर, ये आप लोग जो देख रहे हैं भाई जो चमकते हुए ना, ये कोयला है। ये थोड़ा 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 कर कर इसको निकाला जाता है। कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा। ये देखिए, ये ऊपर आज भी यहाँ पर आइल वगैरह ये क्या लगा ऊपर खदान में। भाई पसीने की हालत खराब है भाई, हालत देख रहा हूँ हमारी, हालत कैसी हो गई दोनों भाई की खदान के अंदर घूमते घूमते। अच्छा हमको सिखा रिया है,
अब इधर भी उतरने का नहीं लग रहा। ये इधर भी देख सकते हो आप, तो इधर भी भाई, अरे यार यहाँ पर भी वो काका लोग, इधर आना अंकुश भाई, ये देखो ये कोयला, ये देख रहे हो ये चमकते हुए काका लोगों को, देख रहे हो कहाँ कहाँ घुस घुस कर भाई अंदर तक के वो कोयला निकाले। ये भाई लोग देख रहे हैं अंकुश भाई कैसे चल रहे हैं हमारे, ये भाई साहब ये तो लंबा ही है अंदर ही अंदर, भूल भुलैया है भाई, अंदर आप लोग जा नहीं सकते, अब सांस लेने में दिक्कत हो रही है धीरे धीरे। बस भाई बंद है भाई आगे, बंद है ना। चलो अच्छी बात है, अपन ज्यादा अंदर जा भी नहीं सकते थे। ये देखिए भाई लोग पूरा ये जो एरिया है ना हमारा, वो इसी के लिए फेमस है, काले सोने के लिए। और यदि भाई लोग ये वीडियो में यदि रिस्पॉन्स अच्छा आया तो हम लोग नेक्स्ट बार बड़ी बड़ी टॉर्च लेकर आएंगे बिल्कुल, और यहाँ के किसी व्यक्ति को जो लोकल रहते हैं यहाँ पर जो उनको लेकर चलेंगे गाइड, उनको लेकर अंदर तक लेकर चलेंगे। यदि आप लोगों का सपोर्ट रहा तो ये वीडियो में आप जितना प्यार दिखा सकते हो दिखाओ, तो ये खदान में अच्छे से अंदर तक दिखाऊंगा आप लोगों को। ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर देख रहे हो भाई लोग, कमेंट एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पसीने इतना हो सके उतना करो भाई, पसीना इतना आ रहा है ना मत पूछो, ऐसा लग रहा है कि ये सब आपके लिए, सब सिर्फ आपके लिए। भूत महाराज को ढूंढ रहे हैं, भूत महाराज तो दिख भी नहीं रहे, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना भाई। ये चलो यहाँ से निकलते हैं आगे की ओर। ये देखिए भाई लोग, ये सब कोयला है, सब कोयला है। यहीं पर बहुत सारे लोग काम करते थे, अभी तो भाई धीरे धीरे ऑक्सीजन की भी कमी होने लगी है, तो चलिए भाई धीरे धीरे निकलते हैं बाहर की ओर, क्योंकि अब आगे जाने की तो बन नहीं रही है। तो भाई लोग देखिए आप लोगों को दागी दिखाते हैं, ये इसको दागी बोलते हैं। बस भाई ज़्यादा अंदर जाने की नहीं बनती है भाई, बहुत अंदर तक है, बहुत अंदर तक है। ये देखिए ये मतलब लकड़ी बहुत नीचे से गड़ी, और आप देख सकते हैं ये और नीचे धस गई है, या तो फिर इन लोगों ने निशान लगाए अपने, क्योंकि ये ऊपर टच नहीं है, नहीं, दागी यहाँ टच होती है भाई, कुछ तो सपोर्ट रहता है ताकि ये भसके ना नीचे। देखिए भाई खिसक जाएगा तो दब जाएगा, बहुत पुरानी लकड़ी है भाई, देख सकते हैं कुछ अजीब से चिपचिपा पदार्थ छोड़ा है इसमें भाई, गीले हो गए अंदर से पूरे, वो तो है भाई सही में। तो चलिए भाई चलते हैं, चलो वापस चलते हैं। आप लोगों से विनती है कि ये वीडियो में जरूर प्यार दिखाएं, तो हम नेक्स्ट बार अच्छे से अंदर तक जाकर दिखाएंगे। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। एक चीज और, अगर आप लोगों का ओपिनियन आपका है कमेंट कि ये खदान को आपको और देखना, तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और कमेंट ज़रूर करिएगा कि इस खदान को आपको और अच्छे से अंदर तक देखना है, तो हम बिल्कुल जाएंगे। अगले बार पूरे सेटअप के साथ आएंगे, लाइट्स वगैरह सब लेकर आएंगे, जितना हो सके उतनी तैयारी करके आएंगे, उतना आपको अंदर तक दिखाएंगे। अभी हमारे पास ओनली दो फोन्स है जिसकी फ्लैश लाइट से हम इतना दिखा रहे हैं। अच्छा हमको सिखा दिया है, समझ में आ रहा होगा आपको, दिख नहीं रहा है अपना, लेकिन जरूर से जरूर कमेंट करिए अगर आपको देखना है तो। ये भाई मोहाना, यहाँ से बाहर निकलते हैं, तो चलिए हम लोग चल रहे हैं बाहर की ओर। भाई बहुत गर्मी है, तो चलिए भाई निकलते हैं बाहर धीरे धीरे करके। यहाँ तो भाई कुछ अजीब सी फीलिंग आती है अंदर जाओ तो, पता है ना, चलो अजीब सा डरावना टाइप में का लगता है यार। तो लास्ट बार आप देख सकते हैं भाई, मजेदार भाई, मजेदार भाई, ऐसा लगता है कि कोई पीछा कर रहा है, पता है वहां पर, क्योंकि अंधेरा है ना बहुत, तो उसके कारण से। और संजय भाई एक बात और, ये खदान में जो मिथ है वो सही में मिथ ही है कि कोई भूत है, ऐसा कुछ भी नहीं है अंदर। नहीं वो बात लगता है। जरूर है, पर ये सिर्फ लोगों की
झूठी अफवाहें फैलाई हुई। भाई वो बात ऐसी है कि क्या है, यहाँ है अंधेरा, ठीक है, अब उजाला रहता तो लोगों को नहीं लगता, अंधेरा है उसके कारण से ऐसा लगता है आप लोगों को कि भाई कि कोई पीछा कर रहा है, और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। भाई आगे आगे चलते अंधेरे के साथ साथ बहुत ज्यादा इंटीरियर पड़ जाता है, बहुत जंगल के बीच में। भाई आप लोगों ने तो देख ही लिया होगा वीडियो में कि कितने अंदर जंगल के अंदर हम लोग आए हैं, और यहाँ पर तो अभी तो खैर इतना दिक्कत परेशानी है नहीं, लेकिन पहले शेर वगैरह भी आ जाया करते थे, जो पुराने ज़माने के लोग हैं वो बोला करते थे कि शेर वगैरह सब यहाँ पर आते थे, और खदान में काम करने वालों को दिक्कत परेशानी आती थी कि भाई कैसे आए जाए आधे रात में। ये सब दिक्कत परेशानी थी। और आप लोगों के यदि प्यार और सपोर्ट रहा ये वीडियो तो हम लोग एक और बार यहाँ पर आएंगे। आप लोग कमेंट करके बताना कि भाई आप लोगों को खदान अच्छे से देखना है। अच्छा ही सा फील हो रहा है, पता है, ठंडा ठंडा सा माहौल। जैसे जैसे अंदर जाते जा रहे थे, वैसे वैसे ऑक्सीजन कम हो रही है। भाई ये बात तो सही, अपने को ज़्यादा घबराहट बढ़ रही थी। अपन आए किस साइड से? भाई अपन यहाँ से आए थे, इधर से आए थे। हाँ यहाँ से जाना पड़ेगा। तो फाइनली भाई पहुंच गए हम लोग गाड़ी के पास। इतनी मशक्क़त करने के बाद आ पाए भाई, 1.5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। तो भाई इसी के साथ ये वीडियो को करते हैं यहीं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।